गाइस, एक क्वेश्चन काफी दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो उसी को बताने के लिए मैं लाइव आया हूँ। लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मेरे पास ये ऑलमोस्ट 100 टाइम्स एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार फीमेल का सेक्स यार, एक्चुअली बीच में कॉल आ रहा था, इसकी वजह से वॉइस नहीं आ रही थी। उनको फ़ोन करके बोल दे बेटा कि मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। एयरबड लगा बच्चे वहाँ में। ये देखो जो बच्चे, ये अभी जो है एक्चुअली, ये ना देखो, ये बच्चे का साइज देखो कितना बड़ा है। बच्चा बच्चा होगा ये, इसके हिसाब से बहुत हाई फाई बच्चा है, बहुत लंबा जोड़ा बच्चा है। एक और पर पिया वाला देखो, माँ के चक्कर गए तो उतर नहीं। इसमें से ये दो बच्चे हेल्दी हैं, ये वाला बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एक्चुअली मैं ना, ये जब भी कभी सर्जरी करता था तो मैं इनकी वीडियोस बनाता रहता था, वो मैं कभी टेलीकास्ट ही नहीं कर पाता था। मतलब मुझे लगता था भी इनको किस हिसाब से टेलीकास्ट करूं, तो मैंने एक नया मेथड सोचा है कि चलो लाइव आके आपसे बात भी हो जाएगी, ये पपीज भी आप देख लोगे, किसी कोई क्वारी होगी, कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो भी लोग पूछ पाएंगे। काफ़ी सारे लोग जुड़ गए। तो भाई एक चीज़ अब ध्यान रखना है जी, पहली बात तो हम सीजेरियन हमारे को करना क्यों पड़ता है भाई, सीजेरियन की नौबत क्यों आती है फीमेल के अंदर? तो दोस्तों, उसका रीज़न ये होता है कि मैंने पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है कि जैसे फीमेल जब एक पप देती है तो मल्टीपल बच्चे होने होते हैं, काफ़ी सारे पपीज होने होते हैं, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में 2 आवर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 घंटे से ज़्यादा का अगर गैप है तो आपको डॉक्टर की इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। 2 घंटे तक अगर वो बच्चे देती रहती है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, आप अपनी फीमेल को नॉर्मली भी आप करवा सकते हैं। जब फीमेल हमारे जो पेंस देने के बाद भी बच्चे नहीं दे पाती, या बच्चे ओवरसाइज हो जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो एक कमेंट आया है कि फीमेल बच्चे देने के बाद कभी दे नहीं पाती, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमने बहुत सारे सीजेरियन करे हैं, मुझे 2000 से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब जो सीजेरियन का, तो हमारे बहुत ही बढ़िया हीलिंग होती है, फर्स्ट क्लास सब कुछ चलता है। तो जो बात बीच में रह गई थी कि अगर फीमेल नॉर्मल, उसको भी जो हम कैल्शियम का ट्रीटमेंट देते हैं और निथरजिन का जो पेंस वाला ट्रीटमेंट देते हैं, अगर उसके बावजूद भी फीमेल अगर नहीं डिलीवर कर पा रही, तब हम उसके साथ सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं। और एक बार सिजेरियन हो जाता है तो हाँ, हो जाएगी भी, डॉगी हाउस वाला जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब एक बार फीमेल का सिजेरियन होता है तो उसकी एटलीस्ट एक हीट जरूर मिस करानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि लगातार ही बच्चे लेते रहते, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसका डेली लेबराडोर वाले भाई, आपके जो आपका क्वेश्चन है, मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, वो जाके देख लो आप। तो एक हीट कम से कम मिस करानी चाहिए फीमेल की। और दूसरी बार भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है फीमेल की, बेशर्ते आप ना उसको हाँ कैल्शियम, नहीं, ऐसा नहीं है, आपका कंसेप्ट गलत है सर, कैल्शियम ना देने वाला।
कैल्शियम देने से अच्छा फ़ायदा होता है। एक तो एक्लम्प्सिया बीमारी होती है फीमेल्स के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, जब दूध पीते हैं बच्चे तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है फीमेल में, तो उसको डिलीवरी के टाइम अगर आप कैल्शियम देते हो तो हर लिहाज से बढ़िया है वो, बहुत ही अच्छा रहता है फीमेल के लिए ना। तो जब नेक्स्ट टाइम आपने उसकी डिलीवरी करवानी है तो किसी डॉक्टर की प्रेजेंस में करवानी चाहिए, भी वो नॉर्मल डिलीवरी करवा के देखे और अगर नहीं होता तो सीजन की तरफ जाते हैं। ये फीमेल तरी होश में आने वाली है सर, फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, फोलिक एसिड बहुत अच्छा रहता है प्रेगनेंसी में भी, आफ्टर डिलीवरी भी, हीट के टाइम पे भी फोलिक एसिड देना चाहिए। तो जैसे हमारे पास जब हम कभी सीजरिंग प्लान करते हैं फीमेल का, हम अपने क्लाइंट को हमेशा ये कहते हैं कि एक बार हीट मिस कराओ, नेक्स्ट टाइम जब उसके पपीज होने वाले आते हैं तो अपने वेटनेरियन की प्रेजेंस में करवाओ, उससे अपॉइंटमेंट लेके, ताकि अगर कोई सीजरिंग वाली नौबत आती है तो वो एटलीस्ट उस टाइम पे अपना केस संभाल ले। घर पे बैठे बैठे कई बार क्या होता है कि सीन क्या बनता है, जब यूट्रस होती है उसमें जब हम सर्जरी करते हैं तो जहाँ स्टिच लगते हैं वो थोड़ा सा नैरो पार्ट हो जाता है, तो वो पार्ट नैरो हो जाता है, नैरो होने की वजह से कई बार पप्पीज को डिलीवरी में दिक्कत आती है। तो बेटर रहता है कि आप अपने वेटनेरियन की प्रेजेंस में उसकी डिलीवरी करवाएं। अब ये फीमेल थी, ये जनरल एक्चुअली क्या था, इसके 60 डेज़ के इनका जो मेरे पास कॉल आया था कि ये प्लस हो चुके हैं 65 डेज हो गए हैं प्रेगनेंसी के और फीमेल डिलीवर नहीं कर पा रही, तो उसके लिए क्या करें। तो जब ये मेरे पास आए, ये सिर्फ एग्जामिनेशन करवाने के लिए आए कि फीमेल को हम एग्ज़ामिन करवा के देखते हैं अभी उसका क्या सीन बनना है। मैंने कहा एक बार मुझे दिखा लो, मैं देख के ज़्यादा बेटर आइडिया कर पाऊँगा। ये अम्बाला से आई, हमारे सब्सक्राइबर ही हैं जो जिनकी ये 400 फीमेल है। तो जब वो वहाँ से अम्बाला से चले तो रास्ते के अंदर ही डिलीवरी स्टार्ट हो गई फीमेल की। तो जब तक ये मेरे पास